तो ये कुछ ऐसा नज़ारा था मेरे फ्लैट से बाहर, खेत दिखाई देता था, हाईवे उधर पूरा ग्रीन फील्ड। और आज का मौसम है बरसात का थोड़ा, लेकिन गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर थे सारे नियार के गमले जो फ़िलहाल नहीं है, यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी वो भी नहीं है। और ये रूम जो था यहाँ पर टीवी लगा हुआ था, जैसे इधर मैं बेड लगा हुआ था, तो ये सब कुछ यहाँ से है गायब। आदि वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो आप सोच रहे होंगे कि अचानक से रूम में क्या हो गया कि कुछ भी सामान नहीं है। देखिए पूरा इधर भी हॉल पूरा खाली है, इधर पूरा किचन खाली है, ये वाला रूम भी जब हम पप्पा लोग रहते थे वो भी खाली है, तो पूरा पूरा रूम भी खाली है। तो फिलहाल हम लोग शिफ्ट हुए हैं नए रूम पर, तो मैं थोड़ा इसको अभी थोड़ा क्लीन करने आया था कि मैंने क्या कि जब हम चाबी देंगे उनको वापस तो थोड़ा साफ कर दें। तो अभी रूम का पूरा शिफ्ट कर दिया है, अभी इसे साफ करवाना है, बस इतना काम यहाँ बचा हुआ है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने नए वाले फ्लैट पे जहाँ हम लोग दोबारा शिफ्ट हुए। तो हम लोग रहते थे पहले 404 में, तो इसी के ठीक सामने मैंने लिया है दूसरा वाला फ्लैट। थोड़ा यहाँ कैसा है ना कि सोसाइटी अच्छी है रहने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। क्योंकि शहर से दूर है, लेकिन फिर भी अभी क्या था कि हम लोग इधर शिफ्ट हुए। यहाँ पे क्या है कि क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, इस साइड से भी गैलरी है, उस साइड का अगर नज़ारा मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से बाहर निकलते हैं, एक फ्लैट है, दो फ्लैट खाली है। अगर बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाऊँ तो ऐसा, वो सामने पूरा हाईवे यहाँ से दिखाई देता है, नीचे आश्रम है, ये पूरा आश्रम यहाँ से दिखाई देता है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर का नज़ारा। ऐसे ठीक उधर सामने से हमको दिखाई देगा फील्ड, क्योंकि मेरे जो उस पुराने फ्लैट की जो बालकनी थी ना वो साइड फील्ड की ओर थी, तो साइड को फील्ड दिखाई देगा। तो फिलहाल हम लोग शिफ्ट हुए हैं इस वाले फ्लैट, तो ये वाला फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो हम लोग ने शिफ्ट किया था, तो इस वजह से कई दिन से यार ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो ऐसे हमने कुछ अपना सूरज वहाँ जैसे रखा था उधर रख दिया, जो हमारा जो ये तखत था वो ऐसे आ गया, दो कुर्सियाँ अपने दो मोड़े ऐसे आ गए। इधर जो है मम्मी पापा लोग का जो रूम था, तो वो ये है। साथ में हमने ड्रेसिंग टेबल उधर लगा दिया मम्मी पापा लोग रूम पे, साथ में उसमें एक अटैच वॉशरूम उसमें है। उधर क्या था कि एक रूम के साथ था, एक रूम के साथ नहीं था। उधर मम्मी पापा लोग के बेड के बगल में मंदिर बनाया हुआ है, अभी थोड़ा उसको और मॉडिफाई करना है, उसका काम भी चालू है। फिर ये था निहारी का और मेरा बेडरूम। तो यहाँ पर सीधे हमने एसी अपना ऐसे फिट कर दिया, अपना ऐसे बेड लगा लिया पूरा। और निहारिका को मिला यहाँ पे, उधर भी अलमीरा तो उधर भी लगी हुई थी, निहारिका को मिली यहाँ पे वार्डरोब बनी हुई पूरी। तो ड्रेसिंग टेबल इसमें बना हुआ था, तो यहाँ पे भी एक अटैच वॉशरूम है, तो ड्रेसिंग टेबल उसको पूरा मिला था बना हुआ, तो उसको हमने ड्रेसिंग टेबल इसलिए वहाँ रख दिया। अभी थोड़ा बहुत सारा काम बाकी है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग शिफ्ट कर रहे थे। साथ में देखिए ये निहारिका की पिछले एक हफ्ते से हालत ख़राब है। कितनी हालत ख़राब है ये, इसमें भी एक स्टोर रूम था, तो उधर भी स्टोर रूम था, तो उसमें हमारा स्टोर रूम था। कितना हालत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो निहारिका को मिले, लेकिन यहाँ क्या मिल गया, मॉड्यूलर किचन। देखिए निहारिका अपनी वीडियो बना रही है आपकी रसोई में, आपके लिए आज क्या बन रहा है, खस्ता कचौड़ी। खस्ता कचौड़ी का तो ये खस्ता यही है, कचौड़ी कचौड़ी भी यही है, खस्ता और साथ में इसने कुछ ऐसा सब्जी बनाई हुई है ना ये। तो निहारिका को कुछ ऐसा मिला हुआ है यहाँ पे, तो इसका थोड़ा अपना यूट्यूब का जो होगा वो यहाँ पे इसके वीडियो सेव जाएंगे अपना स्टैंड लेके। तो इसके सारे के सारे पेड़ आ गए हैं इधर इस साइड में। अब जब से हम यहाँ आए तब से इसमें फूल काफ़ी खिलने लग गए हैं, वाइट और रेड दोनों लगे हुए हैं, सदाबहार का है। और यहाँ की बालकनी से कुछ ऐसा नज़ारा, इधर से वो फील्ड दिखाई देगा, इधर से वो हाईवे दिखाई देगा पूरा पूरा। तो यहाँ हमारा एसी हो गया, बालकनी थोड़ी बड़ी है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर गौरैया का घोंसला है। तो गौरैया का जो घोंसला है ना वो है, मतलब काफ़ी शुभ होता है, माना जाता है कि गौरैया का घोंसला काफ़ी शुभ माना जाता है। तो हम लोग इसलिए यहाँ शिफ्ट हो गए, थोड़ा उधर थोड़ा सीलन थी रूम पे, बाकी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वहाँ क्या था, वो विंटर के लिए अच्छा था, लेकिन गर्मियों के लिए बेकार था। गर्मियों में वहाँ धूप दिन भर पड़ती थी, तो काफ़ी रूम गर्म हो जाता था। टेबल का सेटअप था वहाँ था रूम के अंदर, बेडरूम में हमने लगाया हुआ था, क्योंकि वहाँ पर हॉल पे अला उसमें थोड़ा दिक्कत कर रहा था, क्योंकि तार वगैरह कितने यहाँ से क्या है कि अभी यहाँ से ही तार अंदर से बाहर हमने खींच लिए। तो ये अभी क्या है कि कोई अगर टीवी देखना चाहे देर तक, तो वो आराम से बैठ के
इधर क्या बोलते हैं इसमें गैलरी में बैठ के आराम से टीवी देख सकता है, बाकी जिसको सुना है वो अपने बेडरूम में जाके सो सकता है। इसके लिए क्या था, सोसाइटी पापा को दिक्कत होती, पापा को टीवी देखने का है बड़ा शौक, पापा न्यूज़ व्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ व्यूज़ देखते वक्त तो उनको वो न्यूज़ देखते हैं, तो अगर कोई दूसरा डिस्टर्ब हुआ तो सच्चा है कि मैंने ये सेटअप यहाँ पर लगा दिया सीधे, ऐसा कोई मेहमान भी आया तो आराम से टीवी देख सकता है बैठ के। तो ये कुछ मतलब ऐसा इसमें हमको ये चीज़ एक्स्ट्रा मिली जो यहाँ पर बेड लगा हुआ है। तो ये मैंने आपको ये दिखाना था, इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे बहुत दिन से, अभी मैं एक हफ्ते से मतलब एक हफ्ते क्या बीते 10 दिन से मैं यही लगे हुए सिर्फ शिफ्ट करने चक्कर में, थोड़ा उधर सामान पैक किया, अभी सामान पैक करने के बाद जेल है क्या सामान को यहाँ पैक तो करने की जगह एक ही फ्लोर पर घसीट के लेके आया था, लेकिन बेड वगैरह सब कुछ खोलना था वो बहुत ज़्यादा टास्क है। तो फिलहाल फिर से एक ब्रेक के बाद मैंने ये ब्लॉग बनाया, मैंने कहा थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दूँ कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे चैनल पर। अब आएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट पूछ रहे थे आजकल ब्लॉग नहीं आ रहे, कुछ व्हाट्सअप कर रहे थे, कुछ इंस्टाग्राम में पूछ रहे थे, तो अब आएंगे ब्लॉग। मैं छोटी छोटी स्टोरी डाला था बीच बीच में, अब ब्लॉग आना स्टार्ट हो जाएगा फिर से, बस हम लोग को इस वाले वीक में थोड़ा बहुत और मोटिवेशन करना है इसमें, फिर उसके बाद ब्लॉग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।